गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, दिस इज सिक्स्थ चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। यानी अगर हमें घर में आसपास कोई भी छोटी मोटी चोट लग जाती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, ये कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकें और अगर चोट लग जाती है तो कैसे फर्स्ट एड कर सकें। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम। यानी एक्सीडेंट जो है हमारा किसी भी समय जो है हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू द केयरलेसनेस, और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो है वो हमारी लापरवाही के कारण होते हैं। द केयरलेसनेस शोज बाय वन पर्सन में बिकम डेंजरस फॉर अदर। यानी एक बंदे की केयरलेसनेस, यानी केयरलेसनेस को हिंदी में हम बोलते हैं ये जो हम असावधानी बरतते हैं, ठीक है, वो एक बंदे के बरतने की वजह से क्या हो जाएगा, दूसरे बंदे को भी नुकसान हो सकता है। वी शुड बी केयरफुल वाइल एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड और ऑन रोड। हमें हर जगह, चाहे हम घर में हो, स्कूल में हो, प्लेग्राउंड में हो या फिर रोड पर हो, हमें ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, यानी कैसे बच सकते हैं एक्सीडेंट से, सेफ्टी ऑन द रोड, ठीक है। आप देखते हैं कैसे हम बच सकते हैं एक्सीडेंट के होने से। फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पे चलते हुए हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग रोड्स। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड को क्रॉस करने चाहिए, जो ऐसे होता है वाइट ब्लैक, उस पे से। नेवर क्लाइंब ऑन रेलिंग, रेलिंग पे कभी नहीं चढ़ना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, रोड पर नहीं, फुटपाथ पर चलो। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड, ना ही भागो ना ही खेलो रोड पर। नेवर ट्राई टू कैच अ मूविंग बस, चलती हुई बस को कभी भी चढ़ने की कोशिश मत करो। वी शुड लर्न एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को आपको पता होना चाहिए और उनको सीखो कि कैसे उसको फॉलो करते हैं। नो यू टर्न, इसका मतलब है आप यू टर्न नहीं ले सकते, इसका मतलब है यहाँ पार्किंग नहीं है, इसका मतलब है वन वे है सिर्फ, इसका मतलब है यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है आगे, ठीक है। यहाँ पर नो हॉन्किंग, मतलब हॉर्न नहीं करना, ठीक है। सेफ्टी एट होम, अब घर में कैसे हम सेफ्टी बरत सकते हैं। यूज शार्प थिंग्स लाइक नाइफ एंड सीजर्स केयरफुली, बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करनी चाहिए जो चीज़ें शार्प होती है, जिससे हाथ कट सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक थिंग्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज़ को मत छुओ, वरना आपको शॉक लग सकता है, वरना आप चिपक भी सकते हैं। डू नॉट टेक अ मेडिसिन ओन विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, डॉक्टर की परमिशन के बिना या डॉक्टर के लिखे बिना कोई भी दवाई खुद से मत लो। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस विदाउट बाउंड्रीज, यानी ऐसी छतें जहाँ पर बाउंड्री नहीं होती वहाँ पर पतंगे मत उड़ाओ, आपका पैर फिसल सकता है, आप नीचे गिर सकते हो। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वेन यू गो नियर फायर, जब भी फायर के आसपास हो सिंथेटिक क्लोथ्स मत पहनो, वरना क्या होगा, वो कपड़ा जल के आपकी शरीर के साथ चिपक जाएगा, आपकी खाल भी निकाल देगा। वी शुड यूज मैच बॉक्स एंड गैस स्टोव्स केयरफुली, यानी माचिस और चाहे गैस हो, हमें बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड क्या होती है, यानी छोटी सी फर्स्ट एड मतलब जो फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं अगर किसी को चोट लग जाती है। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट स्टेप इज टू गिव हेल्प टू द विक्टिम, सबसे एक्सीडेंट के बाद सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम विक्टिम को, यानी जिसको चोट लगी है उसको हेल्प कैसे करें। बिफोर द डॉक्टर अराइव इज कॉल्ड फर्स्ट एड, डॉक्टर के आने से पहले। ऐसा तो नहीं किसी का अगर पैर कट गया तो आप उसको उसके खून को बहते ही रहने दोगे कि डॉक्टर आएगा तभी ठीक करेगा, नहीं। तो हम जो पहली ट्रीटमेंट किसी को भी देते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फर्स्ट एड, अलग अलग इंजरीज को अलग अलग टाइप की फर्स्ट एड चाहिए होती है। फर्स्ट एड में एवर सेव विक्टिम्स लाइफ, ठीक है, और फर्स्ट एड करने से किसी भी इंसान की लाइफ भी बच सकती है। अ फर्स्ट एड किट शुड कंटेन कॉटन बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन एंड सम कॉमन मेडिसिन। फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए, रुई, बैंडेज होनी चाहिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक मतलब जिससे सेप्टिक ना फैले, कुछ लोशन होना चाहिए जैसे डिटॉल या फिर कोई और लोशन, ठीक है, और कुछ कॉमन मेडिसिन भी होनी चाहिए। ये आपने देखा होगा बेटे आपके स्कूल में भी है। हेयर आर सम वेज ऑफ गिविंग फर्स्ट एड इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में फर्स्ट एड देने के लिए क्या क्या दिया, कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक है, वो देखते हैं। कट एंड ब्लीडिंग, अगर कट हो जाए और खून निकले तो क्या करो। इफ कट बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ और सीजर कॉज ब्लीडिंग, अगर
नाइफ से या सीजर से आपका कट हो गया है तो वहाँ से खून निकलेगा, फर्स्ट क्लीन द वाउंड, यानी जहाँ चोट लगी है उसको पहले साफ करो विद क्लीन वाटर, साफ पानी से। यूज क्लीन कॉटन टू स्टॉप ब्लीडिंग, एक साफ सी कॉटन उस पर लगाओ ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, रब आइस क्यूब ऑन द वाउंड, अगर तब भी नहीं रुक रहा है खून तो क्या करो, एक आइस क्यूब लो, जो हमारी बर्फ की क्यूब्स होती है उसको क्या करो चोट पर लगा दो। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, ऐसी क्रीम लगाओ एंटीसेप्टिक, ठीक है, जैसे बीटाडीन होती है, ऐसी क्रीम्स लगाओ ताकि क्या हो सेप्टिक ना फैले, ठीक है। एंड कवर इट विद अ स्टेरलाइज्ड बैंडेज, इट प्रोटेक्ट वाउंड फ्रॉम डस्ट एंड इन्फेक्शन, यानी ऐसी बैंडेज से कवर करो बेटे जिसमें गंद ना जा पाए, ठीक है। अब आते हैं एनिमल बाइट, यानी अगर किसी एनिमल ने बाइट कर लिया, एनिमल लाइक डॉग मंकी कैट में बाइट समवन वाइल गोइंग आउट ऑन द रोड और गार्डन, कभी कभी ऐसा होता है बंदर कुत्ते बिल्ली काट सकते हैं किसी को भी जब आप गार्डन में जाते हो बाहर रोड पे जाते हो। बाइट ऑफ एनी एनिमल कैन बी डेंजरस, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। एनिमल सलाइवा कंटेन जर्म्स एंड कैन कॉज डेडली डिजीजेज रैबीज, क्या होता है कि एनिमल्स के थूक में कई सारे जर्म्स होते हैं जो आपको रैबीज फैला सकते हैं। इफ अ पर्सन हैज बीन बीटन बाय एनिमल इमीडिएटली फर्स्ट, बाइटन बाय एनिमल्स, यानी अगर एनिमल किसी भी जानवर को काट लेता है तो इमीडिएटली फर्स्ट एड शुड बी गिवन, सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दो। वॉश द वाउंड विद सोप एंड वाटर टू क्लीन सलाइवा ऑफ द एनिमल, सबसे पहले साबुन से उसको वॉश करो ताकि जो भी थूक वगैरह जानवर के अंदर गया वो निकल जाए। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम को उसके ऊपर अप्लाई करो ताकि इन्फेक्शन ना फैले। कवर द वाउंड विद क्लीन बैंडेज, और क्लीन बैंडेज यानी पट्टी से उसको कवर कर दो। टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और तभी फटाफट उसको पहले डॉक्टर के पास लेकर जाओ। फ्रैक्चर अगर हो जाए, एनी फ्रैक्चर और ब्रेक इन बोन कॉल्ड फ्रैक्चर, यानी अगर कोई भी आपका क्रैक या ब्रेक हो जाती है बोन उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। फर्स्ट एड कैन बी सच केस, डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑन फ्रैक्चर पार्ट, यानी फ्रैक्चर पार्ट का फर्स्ट एड ऐसा होना चाहिए ताकि उसकी बोन बार बार ना हिले, क्रैक बढ़े ना। कीप द पेशेंट कंफर्टेबल, सबसे पहले पेशेंट को आराम से लेटाओ। टाई अ लॉन्ग पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक गत्ता उसके हाथ पर ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। पिलो और न्यूज़पेपर अराउंड द इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट के आसपास पिलो भी लगा सकते हो या फिर न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो। दिस विल सेट द बोन इन इट्स राइट पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड स्प्लिंट, और उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी बोन को राइट पोजिशन पे ला देता है। कभी आपने देखा भी होगा बाहर जाते हैं तो ऐसा फ्रैक्चर कर देते हैं वो, सॉरी फ्रैक्चर नहीं कर देते, फर्स्ट एड कर देते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर के ऊपर, ठीक है, ताकि बोन जो है वो ना हिले। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको लगा सकते हो ताकि उसकी बोन ज़्यादा ना हिले, और उसके बाद डॉक्टर के पास ले तो वो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट ऐसे कर देंगे। अब बर्न्स, यानी अगर कोई जल जाए, बर्न कैन कॉज बाय हॉट ऑब्जेक्ट, बड़ी गर्म ऑब्जेक्ट से बर्न हो सकता है। वार्म वाटर स्ट्रीम, जैसे गर्म पानी के जो भाप निकलती है उससे, पटाखों से या एसिड से। माइनर बर्न कैन बी ट्रीटेड एट होम, अगर छोटा सा कहीं जल गया है तो वो घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। इमीडिएटली वॉश द बर्न पार्ट फ्रॉम द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से धो कुछ मिनट तक। देन अप्लाई आइस ऑन इट, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर अफेक्टेड एरिया, फिर आइस लगा दो, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो। रिलीफ फ्रॉम इन बर्निंग सेंसेशन, अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। अगर बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ पाने तो बेकिंग सोडा भी आप लगा सकते हो। इफ द क्लोथ ऑफ द पर्सन कैच फायर, अगर कपड़े जो है आग पकड़ लेते हैं तो क्या करना चाहिए, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन सच पर्सन, कवर देम विद थिक ब्लैंकेट, पानी मत फेंको उस बंदे के ऊपर, उसको एक बड़ी सी कंबल से उसको क्या करो बंदे को कवर कर दो, ठीक है। एंड रोल हिम डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको नीचे जमीन पर लेटा दो। तो बेटा आपका जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है, साइंस का हमारा जो फर्स्ट एड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड था, ठीक है। बाकी काम आपको जो है करना है अपनी बुक में, कुछ पोर्शन करना है, कुछ कॉपी में करना है, मगर ये जो साइंस है आपको ये अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है बेटे।